तेरी मौत पक्की है। मेरे पुत्र को मारेगा। कायर। अनफॉर्चुनेटली वो नागेश हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो केवराज अभी भी जेल में है और इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। एंड थैंक यू काशवी, तुमने इस मिशन के लिए अपना ट्रांसफर पोस्टपोन किया और हमारी हेल्प के लिए यहाँ रुकी। प्लीज सर, आप इस तरह थैंक यू मत कहिए। ये तो मेरा फर्ज था और वैसे भी देश से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। आई नो। वैसे आप वापस कब जा रही है? आज, मतलब आज रात ही मैं वापस जा रही हूँ सर। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी में रुको। मीरा, लेकिन मैं नहीं, लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं सुनना मुझे। अपनी बहन की इतनी सी बात नहीं मानोगी? तुमने कहा था ना कि तुम बड़ी बहन हो मेरी, तो बड़ी बहन होने का फर्ज नहीं निभाओगी? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए रुकूंगी ना मैं, तुम्हारी शादी के लिए रुकूंगी और शादी में आकर बड़ी बहन होने का हर फर्ज निभाऊंगी। पक्का। तुम्हें खुशी खुशी विदा करूंगी। थैंक यू। कल जब विक्रम अपनी बेटी की शादी की खुशियां मना रहा होगा ना, उन खुशियों को मातम में बदल दो, जान से मार दो से। अगर मैंने करुण को स्कूल में फिर से वापस लिया तो हमारे फैकल्टीज और अदर पेरेंट्स के साथ नाइंसाफी होगी और वो इसका विरोध करेंगे। आप मेरी बात को समझिए। उनका कहना है कि इस टाइप के किसी भी बिहेवियर वाले स्टूडेंट को स्कूल में अलाउड नहीं है। एक काम करो, अर्जुन को बुला के लिया। ओ, तो तुम अर्जुन और काशवी को मिलाना चाहती? यस, मैं चाहती हूँ कि अर्जुन और काशवी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। तो डू वन थिंग कि तुम अर्जुन को हेल्प के बहाने यहाँ पे लेके आओ और फिर एक दूसरे से मिलने के बाद वो खुद देख लेंगे क्या करना है। ग्रेट आइडिया। तो मैं यहाँ पहुंच ही गया, आज उन गद्दारों को सजा देनी है, नहीं छोड़ेंगे उन्हें। ओह नो, बॉल तो अंदर चली गई और अंदर तो शादी हो रही है। पक्का मेरे डैड अंदर होंगे। मैं बड़ी माम को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा और मैं यहाँ चुपचाप जाऊंगा और चुपचाप बॉल लेके आ जाऊंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।